हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरमल लेक्चरर। ये है क्लास 10 हिंदी का वायरल पेपर। ठीक है, कुछ ही देर में आप लोगों का बोर्ड एग्जाम का पेपर आने वाला है और ये है वायरल पेपर। जैसा बोर्ड एग्जाम में आप लोगों का पेपर आने वाला है तो ये हिंदी का पूरा पेपर समझ कर जाना। ठीक है, अगर आप बोर्ड एग्जाम कुछ ही देर में आप लोग देने वाले हो तो ये आप लोग पूरा हिंदी का पेपर समझ कर जाना। ये बहुत ही ज़्यादा वायरल पेपर है, इसमें जितने भी क्वेश्चन है अगर आपने तैयार कर लिया तो आप हिंदी में 95% अचीव करोगे। ठीक है, आप 95% लाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, यहां देख सकते हो ये है आप लोगों का कोड 801 VD। ठीक है, लेकिन हर एक जिले के यूपी बोर्ड के हर एक जिले के स्टूडेंट तैयार कर सकते हैं। ये हर एक जिले के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ही ज्यादा वायरल पेपर है। ध्यान से समझना, जितने भी क्वेश्चन है उसको जल्दी जल्दी तैयार कर लो, समय बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करने वाले हैं। हिंदी के बाद मैथ की भी बहुत सारी क्लासेस आने वाली है। ठीक है, तो देखो पूर्णांक है 70 नंबर का, यानी कि 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय रहेगा, 3 घंटे आपको सॉल्व करना है पेपर, 15 मिनट इस पूरे पेपर को पढ़ना है। तो सारा कुछ मैं आपको समझा देता हूं, कुछ सामान्य निर्देश भी हैं। जैसे सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और इन इस प्रश्न पत्र के दो खंड हैं, आ और बा। ठीक है, खंड आ जो है 1 नंबर का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसका आंसर ओएमआर पत्रक पे देने हैं, और खंड आ के प्रत्येक प्रश्न जो है उसको पढ़कर ओएमआर पत्रक पे आप उत्तर दें। एंड ओएमआर सीट पे आप जब उसे भरें तो व्हाइटनर और काटे पीटे ना, व्हाइटनर इरेजर इन सब का प्रयोग मत करना, वरना आपका वो जो ओएमआर सीट है वो पेंडिंग में चला जाएगा। और प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, और खंड बा जो है 50 अंक का वर्णात्मक प्रश्न है। ठीक है, और आप लोगों का जो ये है खंड बा जो है सभी प्रश्न एक साथ ही करें और प्रश्न में आरंभ कीजिए तथा अंतिम तक करिए, जो आपको ना आए उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये पूरा वायरल पेपर है, समझ कर ही जाना एक एक क्वेश्चंस को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें सारे क्वेश्चंस हैं। देखो खंड आ जो है वो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, 20 में 20 नंबर आप लोग जल्दी से फिक्स कर लो क्योंकि एक एक नंबर को हमें लेकर आना है। ठीक है, तो पहला देखो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं। उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्रेमचंद्र है, यशपाल है, भगवती चरण वर्मा या वृंदावन लाल वर्मा। तो भैया उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है, भगवती चरण वर्मा जी। तो ये 1 नंबर क्लियर हो गया, भगवती चरण वर्मा जी हमारे उपन्यास भूले बिसरे चित्र के राइटर हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार कर लेने हैं और अभी आप लोगों को वीडियो के बीच में एक सरप्राइज मिलने वाला है, जो आप लोग उसको अगर देख लिया ना तो आप हिंदी में टॉप कर जाओगे। ठीक है, और ये वायरल पेपर पूरा समझ कर जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम समय बचा हुआ है। हमारा जो 2nd नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं। ठीक है, ये भी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो कौन है, इलाचंद्र जोशी, मोहन राकेश, काका दोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें हमारा इलाचंद्र जोशी भी हैं और मोहन राकेश भी हैं, दोनों सही है। तो इसलिए हमारा विकल्प का और खा दोनों सही है कि शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार हैं वो इलाचंद जोशी और मोहन राकेश दोनों हैं, इसलिए हमारा गा वाला ऑप्शन सही है, विकल्प का और खा दोनों। ठीक है, सूरज का सातवां घोड़ा किस साहित्य विधा की रचना है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव कि भाई सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, निबंध विधा, डायरी विधा, उपन्यास विधा, कविता विधा। तो भाई सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है, उपन्यास विधा की रचना है। तो ये भी 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से, सारा क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल की समय अवधि है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, आधुनिक काल की समय अवधि 1850 से 1900 तक, 1900 से 1920 या 1919 से 1938 या 1843 से वर्तमान तक। तो जो ये हमारा है वो 1843 से अब तक है, वर्तमान तक है, आधुनिक काल का समय अवधि। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप फटाफट से तैयार कर लो और उसको आप लोग जल्दी जल्दी तैयार कर लो, जो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, त्यागपत्र 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, त्यागपत्र किस विधा की रचना है, जीवनी, नाटक, उपन्यास या निबंध। तो त्यागपत्र जो है वो किस विधा की रचना है, माय डियर स्टूडेंट, ये भी हमारा उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है, उपन्यास विधा की। तो 5 में 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई नहीं रोक सकता ना बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनने से। देखो 6वां क्वेश्चन,
रस खान किस काल शाखा के कवि हैं? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, रस खान किस काल शाखा के कवि हैं? रीति काल, कृष्ण शाखा, या भक्ति काल, निर्गुण भक्ति शाखा, या फिर हमारा भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा, या फिर हमारा इनमें से कोई नहीं। तो ये जो हैं ये हमारे किसके हैं? ये हमारे हैं भक्ति काल की सगुण भक्त शाखा। किसके हैं? भक्ति काल की सगुण भक्त शाखा। ये भी एक नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। छायावाद युग के प्रमुख लेखक कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, छायावाद युग के प्रमुख लेखक यशपाल, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, या भारतेन हरिश्चंद्र। तो छायावाद युग के जो प्रमुख लेखक हैं वो हैं रामकुमार वर्मा जी। कौन है? रामकुमार वर्मा जी। गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, रामकुमार वर्मा जी हैं छायावाद युग के प्रमुख लेखक। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 माय डियर स्टूडेंट, इसमें पूछ रहा है द्विवेदी युग की कालावधि है। द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है 1850 से 1900 तक, 1900 से 1918, 1971 से आज तक, या 1918 से 1936 तक। तो द्विवेदी युग की कालावधि कब से कब तक है? 1900 से 1918 तक है हमारा द्विवेदी युग, 18 साल, यानी कि 1900 से 1918 तक हमारा है द्विवेदी युग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अद्भुत आलाप के कवि हैं। अद्भुत आलाप के कवि कौन है? सब कुछ पढ़ाया गया, ऐसा कोई नहीं है कि किसको नहीं पढ़ाया गया, बट अभी भी समय है, पढ़ लो। ठीक है, मैं आपको पूरा वायरल पेपर सॉल्व भी करा रहे हैं, पूरा सॉल्यूशन के साथ समझ रहे हैं। ठीक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त, भारतेन हरिश्चंद्र, या हरिबोध। तो भैया अद्भुत आलाप के जो कवि हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ये भी हमारा एक नंबर क्लियर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं हमारे अद्भुत आलाप के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यामा के रचयिता का नाम लिखिए। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेव वर्मा, मीराबाई, अशोक वाजपेयी। तो यामा की जो रचयिता है वो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये भी क्लियर भाई, यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ठीक है, विपत्ति बटावन बंधु बाहुबिन करो भरोसो काको, इसमें रस कौन सा है? एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ये भी है, इसमें रस आपको बताना है, रौद्र रस, शांत रस, करुण रस, हास्य रस। तो इसमें हमारा ये देखो विपत्ति शब्द आया हुआ है, यानी कि कोई ना कोई संकट आया हुआ है, तो इसलिए हमारा करुण रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करुण रस हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, करुण रस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 की हृदय सिंधु में उठता स्वगिर्ण ज्वर देख चंद्रनन में अलंकार है। ये भी एक नंबर का अलंकार इसमें बताना है भाई, रूपक अलंकार है या अश्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार। देखो इसमें हमारा कौन सा है? इसमें हमारा रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव ये भी क्लियर कर लो, रूपक अलंकार है, और ये एक नंबर आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन तुलक भर सरोद सरोड उनैन तुलसी भर स्नेह जल। पंक्ति में आपको चौथे, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं बतानी, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। दूसरे और चौथे चरण में देखो, दूसरा चरण और चौथा चरण यहाँ आप लोग काउंट कर लेना, यहाँ इसमें काउंट करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं भी वन वन वन, देखो वैसे मैं आपको बता देता हूँ 13-13 मात्राएं हैं, क्योंकि इसमें क्या है ना कि ये कंप्यूटर है और इसमें काउंट होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पेन नहीं है। तो ये एक नंबर ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 13-13 मात्राएं हैं दूसरे और चौथे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला 14 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, अध्यक्ष शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अभि है, आ है, आ है, या अधि है। तो अध्यक्ष में हमारा कौन सा उपसर्ग है? अधि है, याद रखना, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव। अध्यक्ष में हमारा प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो अधि उपसर्ग है। क्या है? अधि उपसर्ग। ठीक है, 15 नंबर ऑब्जेक्टिव, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन यहाँ तैयार कर लेना अगर बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है। ये बहुत ज्यादा वायरल पेपर है, कुछ ही देर में आपको पेपर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही पंचानन का समास विग्रह, पंचानन, पांच सिरों का समाहार, पांच पल्लवों का समाहार, पांच पात्रों का समाहार, पांच तथ्यों का समाहार। तो पांच सिरों का समाहार होता है पंचानन, पांच सिरों का समाहार। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, सुहाग शब्द का तत्सम रूप है, सुहाग का तत्सम रूप। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, स्वामी सौभाग्य, सुहागा दुर्भाग्य। तो भैया सुहाग का तत्सम रूप जो होगा वो सौभाग्य होगा। ठीक है, सौभाग्य। ठीक है, सारा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। 17 नंबर क्वेश्चन, युष्मा विरूप है युष्मद का। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तृतीय विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, या फिर हमारा द्वितीय विभक्ति एकवचन। तो इसमें हमारा क्या है? यह है तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। का वाला ऑप्शन सही है, तृतीय विभक्ति बहुवचन।
18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से मिश्र वाक्य है, इसमें एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है मिश्र वाक्य। तो भाई अमानी आई और पढ़ने बैठ गई, बच्चे दूध पीकर सो गए और अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं, जो झूठ बोलते हैं उस पर विश्वास मत करो। तो इसमें मिश्र देखो यहाँ कॉमा लगा हुआ है और ये कॉमा लगा हुआ है, इसलिए हमारा ये मिश्र वाक्य है। क्या है? एक मिश्र वाक्य है, ये भी एक नंबर क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, जो अध्यापक हैं उनके द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, ये भी एक नंबर का ऑब्जेक्टिव है। भाई देखो ऑप्शन है कर्तावाच, कर्मवाच, भाववाच, कारणवाच्य, तो इसमें हमारा कर्मवाच्य है। क्या है? कर्मवाच्य है, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है, यहां इसके नीचे देखो अंडरलाइन है, इसमें आपको बताना है पद परिचय है। भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्मकारक या विशेषण वाचक गुणवाचक स्त्रीलिंग एकवचन या जातिवाचक जो है जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक या भाववाचक स्त्रीलिंग बहुवचन कर्ताकारक। तो ये जो हमारा है वो भाववाचक संज्ञा है स्त्रीलिंग एकवचन कर्ताकारक है, ठीक है, का वाला ऑप्शन सही। तो यहां से हमारा 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं जो आपको पेपर में इतना ज्यादा हेल्प करेगा ना कि आपका कोई नहीं कर पाएगा। एक आप लोग ये वीडियो देखो, ठीक है, ये वाली वीडियो जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ठीक है, ये वीडियो आपको 2 घंटे की है, उससे कम है थोड़ा सा, बट अगर आपने ये वीडियो पेपर देने से पहले देख लिया ना तो आप, मैं बता रहा हूँ, 95% स्कोर करोगे। ये शाम की वीडियो है, लगभग बहुत सारे बच्चों ने देख लिया है, आप देख सकते हो, तो इसको आप लोग देख लेना। मैं कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, ठीक है, और साथ में मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, इसको देख लेना। ये वायरल पेपर, साथ में ये अगर आपने वीडियो देख लिया तो आप यार 4 में 4 लग जाएगा और बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन जाओगे। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में कमेंट बॉक्स में, तो इसको देखकर ही जाना अगर आपको टॉपर बनना है तो, क्योंकि ये इसमें मैंने 3-3, 4-4 सारे गद्यांश पद्यांश सारे ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव सब कुछ करा दिया है। तो जल्दी से देखो और कमेंट करो यस सर आई सीन वीडियो, ठीक है। तो चलो आ जाओ भाई, अब हम लोग खंड बा देखते हैं। खंडबा वर्णात्मक प्रश्न 6 नंबर का रहता है वर्णात्मक प्रश्न, यानी कि आपका गद्यांश पहले रहता है। निम्नलिखित गद्यांशों में से कोई एक आपको प्रश्न का उत्तर देना है, 6 नंबर मिलेगा। 2 गद्यांश रहता है, 2 में से कोई एक का आंसर देना है, ठीक है, एक का आंसर देना है। जैसे का वाला है, ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं और उसमें ना कवि की आपका उदत्ता कल्पना है रहती है, ना आसंख्यिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि और ना ही दिग्गो की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना है, ठीक है। उसमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है और उसमें उसके सच्चे भावों की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उसमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उन मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें ना ज्ञान की गरिमा रहती है और ना ही कल्पना की महिमा, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपनी ही भाव से ग्रहण करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ये हमारा जो है ये चैप्टर का है, क्या लिखूँ, क्या लिखूँ, भैया इनका नाम आप लोगों को पता होगा, क्या लिखूँ, ये चैप्टर है, ठीक है। और इसके जो राइटर हैं वह हैं पदुमलाल, ठीक है, पुन्नालाल बक्सी, ठीक है, ये इनके राइटर हैं। तो भाई आपका गद्यांश में संदर्भ का हो गया भाई, पाठ का नाम जो है क्या लिखूं और लेखक का नाम है पदुमलाल पुन्नालाल बक्सी। रेखांकित अंश की व्याख्या भाई छोटा सा, इसमें 2 रेखांकित अंश से एक करना है, ठीक है। और यहाँ हमारा निबंध किस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर दोगे 6 नंबर। भाई आप इसको मत तैयार करो, अब हो गया, ठीक है, अब इसमें आप गद्यांश में से ही देखकर लिख देना, ठीक है। आपको मैं बता दिया पाठ का नाम, लेखक का नाम, बना बना के लिख देना। नहीं आता भाई इसी को व्याख्या में छाप देना, नंबर आपको भर भर के मिल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब देखो 2 गद्यांश में से कोई एक आपको करना है, तो भाई दूसरा आपको आसान लग रहा है, भाई ये आसान है पहले से, क्योंकि ये पहले ही चैप्टर से है भाई, मित्रता पाठ से, कैसे भाई हर जगह मित्र मित्र की बात की गई है, तो मित्रता पाठ से है, ठीक है। तो अब जो चीज आपको 100% याद हो वही बोर्ड एग्जाम में करना, ऐसा नहीं कि पहला करें दूसरा याद है अच्छे से पहला कर रहे हो, क्यों कर रहे हो है? जब आपको दूसरा आता है दूसरा करो, उसमें कोई ये थोड़ी लिखा है कि आप एक सीरियल से करो, ठीक है। जो प्रश्न आता है आपको 10वां क्वेश्चन आता है तो पहले 10वां लिखो, प्रश्नोत्तर संख्या 10 डालो और लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो खा वाला है, कुसंग का जड़ सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी व पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो दिन ब दिन उन्नति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की उठाती जाएगी, ठीक है। तो संदर्भ का आपको लिखना है,
इस गद्यांश का संदर्भ भाई आपको दो नंबर मिलेगा। आपको रेखांकित अंश की व्याख्या छोटा सा है भाई, मित्र के बारे में जो जानो सानो, जो जानो उसको लिखो, ठीक है। अब याद नहीं करना है मित्र के बारे में जो जानो, मित्र अच्छा होता है, मित्र हमें सहारा देता है, अच्छे मित्र हमें अच्छे अच्छे रास्तों पर ले जाता है, बुरा मित्र हमें बुरे चीजों को सिखाता है, बस लिख दो यार, क्या दिक्कत है इसमें, कुछ भी नहीं है, ठीक है। युवा पुरुष के संगत के बारे में क्या कहा गया, ठीक है, छह नंबर आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप दोनों में से कोई एक करोगे, छह नंबर आपका फिक्स है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, पद्यांश देखते हैं। देखो मैंने कई बार ये पद्यांश बता रखा है और आप लोग देखो छह नंबर का है। जैसे यहां देखो, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक को करना है, आपको छह नंबर मिलेगा। लिखा हुआ है दो पद्यांश है, दोनों में से कोई एक करना है। देखो लिखा क्या है, पुरते निकसी रघुवीर वधु धर धीर दय डगमे मगे हैं और झलकी भरी भाल कन जलकी पुट सखी गए मथुदा नर हैं और फिर बूझत हैं चलनो अब के तक पूरी कुट करहु कित हैं और ते की लख अरतो पिया की अखियां अति चारू चली ज्यो जल हैं, ठीक है। अब देखो ये हमारा, देखो यहां आपको क्या करना है, किस पाठ से लिया गया है, वन पथ पर शीर्षक से, किस से लिया गया है, वन पथ पर शीर्षक, ठीक है, जिसके जो कवि हैं वो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है, तुलसीदास जी, ठीक है। तो संदर्भ तो क्लियर हो गया, तो संदर्भ क्लियर, व्याख्या आपको करना है, ठीक है। दो क्वेश्चन रहेगा, किस कारण सीता जी के माथे पर पसीना आ रहा था, तो सीता जी थक चुकी थी और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा, और फिर उनके माथे पर इसीलिए पसीना आ रहा था, श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे। तो सीता जी भाई राजमहल में रहती थी, बहुत ज़्यादा अमीर थी और ऐसे चलने में ऐसे चलते चलते उनको थक गया, उनकी ओट सूख गए, तो ऐसे में श्री राम के नेत्रों आंसू के आंसू बहने लगे, ठीक है। तो छः नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं आता दूसरा करना, मेरी जीवन की आज मुख तेरी छाया से हो बिलाप, तन तेरी सांद्रता छू ले मन की करुणा की था नाप, उड़ पे पावन दृग में बिहान। ये हिमालय से पाठ से, किससे है, हिमालय से पाठ, पूरा तैयार कर लो यार, पेपर तो अभी कुछ ही देर में है, महादेवी वर्मा। तो इसीलिए मैंने सोचा यार कुछ ना कुछ स्पेशल किया जाए, बेस्ट ऑफ लक दिया जाए बच्चों को, ताकि बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं उड़ा दें, आग लगा दें, कुछ छोड़कर नहीं आए, ठीक है। पद्यांश का संदर्भ लिखो, मैंने बता दिया चैप्टर का नाम, आप व्याख्या कर देना। और कवित्री अपने जीवन को हिमालय का सामान जीना चाहते हैं, इस कथन पर क्या तर्क दिया और कवित्री की क्या कामना है, तो ये सब चीज मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना, ठीक है। देखना क्या है, अब जो आओ जो आए उसको लिखना, देखना कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपको रिलैक्स करना है, ज्यादा टाइम ही नहीं है। तो 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है, 5 नंबर कवि का जीवन परिचय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल, किसी एक का लिखोगे 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका जो याद है उसको लिखना, अब याद तो करना है नहीं, लास्ट टाइम है, आपको जयशंकर प्रसाद जी का याद होगा या फिर रामचंद्र शुक्ल जी का, कोई एक तो याद ही होगा, तो वो आप लिख देना, ठीक है, 5 नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही आप लोगों को किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखना है 5 नंबर के लिए, भाई ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में छप चुका है, देख लेना, और गोस्वामी तुलसीदास जी का छपा हुआ है, आप जाओ देखो यार पेपर में, मैं जो बता रहा हूं वो देख लेना, ये दो छप चुका है, गोस्वामी तुलसीदास जी का और सूरदास जी का छप चुका है, ठीक है। 5 नंबर कवि का भी क्लियर हो गया। और आ जाओ भाई संस्कृत का गद्यांश, संस्कृत का गद्यांश ध्यान से समझना, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से आपको हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर मिलेगा। यहां देखो देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत, संस्कृत भाषा केंद्रम स्थली अस्थि इत ओ संस्कृत भाषा संस्कृत आलोक सर्वद प्रसिद्ध मुगल युराजा द्वारा सिखो अत्यंत भारतीय दर्शन शास्त्र अध्ययन अक्रोध सा तेषम ज्ञानम तथा प्रव्यथम अभवत यत तेन उपनिषद अनुवादम फारसी भाषा करिता। 5 नंबर आपको मिल जाएगा भाई, नहीं आता दूसरा करो। ये हमारा किस चैप्टर से है भाई, वाराणसी चैप्टर से। कैसा है, वाराणसी पाठ से, सब कुछ पढ़ा रखा है, पूरा वाराणसी चैप्टर ही पढ़ा रखा है, पूरा ये सब गद्यांश जो मैंने वीडियो अभी बताया है ना, देख लेना वीडियो जो मैंने बताया है, एक घंटे की वीडियो देख लेना, सब कुछ उसमें है, आपको 5, 5, 6, 6, 8, 8 गद्यांश पद्यांश मिल जाएंगे। वो स्पेशल वीडियो है, बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर किया गया। एकदा बहवाजना धूम्र रेलगाड़ी, जिसका मतलब है अयम नगरम प्रति गच्छति तेषु कसीदा ग्रामीणा केषित नागरिका आसन मौन स्त्रेषु तेषु एकः नागरिकः ग्रामीणा उपहसत आकथत ग्रामीणा अवद पूर्ण अशिक्षितः, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है भाई, प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से है, अब इसको पढ़ो मत, जो आए लिखो, ठीक है। मैंने आपको बता दिया इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो अभी बताया है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा दो भाई, दो आपको, दो में से कोई एक करना है संस्कृत का पद्यांश। देखो निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखो, अनुवाद करो, उत्तरम यत समुद्र सिमद्र दक्षिणम वर्ष तद भारत नाम भारती यत्र संतति। तो ये करो या फिर ये करो, एक आपको करना है, 5 नंबर मिल जाएगा, और एक ऑलरेडी छप चुका है पेपर में, देख लेना, सर्वे भवन सुखना सर्वे संत निराम या सर्वे भद्रम पश्चिम माखा सीता दुर्भगा भवेद, जाओ देख लो, छप चुका है पेपर में, ठीक है, आएगा 100%। अब आपको एक कोई श्लोक लिखना है, जैसे ये दोनों हैं तो ये मत लिखना, ठीक है, ये दोनों जैसे आप लोगों का है, ध्यान से समझो,
ठीक है, ये इसको आपको मत लिखना है, आपके प्रश्न पत्र में है। जैसे आप लिख सकते हो बंधनम मरणम जय पराजय बेहतर समो वीरा वीर भावे ही वीरता, ठीक है। तो ये आप लोग लिख देना। तो ये आपका हो गया दो नंबर का श्लोक। फिर आप लोगों का दो नंबर का आएगा भाई क्या, संस्कृत में प्रश्न उत्तर देने हैं दो नंबर। तो वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली, वाराणसी नगरी सर्वत्र संगम स्थली, मतलब वाराणसी नगरी है सभी धर्मों की संगम स्थली है। और यहां देखो चंद्रशेखरा स्वापित नामम की मखे था, तो उनका आजादा नाम था चंद्रशेखर का। तो दो नंबर यहां से ये क्लियर हो जाएगा। और फिर आपका आता है 25 नंबर क्वेश्चन। देखो आपकी चचेरी दीदी, ठीक है, कॉलेज में दाखिला लेना चाहती हैं, किंतु आपके चाचा जी आगे पढ़ाई ना करवाकर उनकी शादी करवाना चाहते हैं, इस बारे में चाचा जी को समझाते हुए एक पत्र लिखो। चार नंबर का पत्र लिखना है, दो आएगा कोई एक करना है, एक सफाई पर पत्र आएगा, छप चुका है पेपर में, जाओ देखो यार जो जो बता रहे हैं ध्यान से समझ लो, पेपर बिल्कुल नजदीक है, ठीक है, और आप समझ लेना, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि आपको एक निबंध लिखना है भाई, 7 नंबर का, पर्यावरण प्रदूषण 100% छप चुका है, ठीक है, इसमें नहीं है बट वो छप चुका है, ठीक है, 100%। सफलता जो है परिश्रम जो है परिश्रम सफलता की कुंजी है, भारतीय किसान का जीवन और जनसंख्या वृद्धि अभिशाप नारी सशक्तिकरण मेरे प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। लास्ट में आपके जिले के जो भी आते हैं भाई खंडकाव्य तैयार करना। जैसे मैं गोंडा जिले से हूं तो हमारे इधर ज्योति जवाहर खंडकाव्य आता है, ठीक है, ज्योति जवाहर खंडकाव्य। तो भाई गोंडा जिले वाले आप लोग मिलने आ जाना, ठीक है, पेपर के बाद, क्योंकि हम आप लोगों को बता देंगे गोंडा में वजीरगंज से, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा है कि मतलब आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक खंड काव्य आपको करना है, अगर पूजा आपको आता है तो अगर पूजा, तुमुल आता है तो तुमुल, मेवाड़े मुकुट जो भी है, ठीक है, ज्योति जवाहर खंड काव्य, कर्मवीर, ठीक है। तो ये आपको खंडकाव्य लास्ट में आपको खंडकाव्य मिलेगा, ठीक है। और जो अभी मैंने वीडियो बताया उसको जाओ जल्दी से देख लेना, ठीक है, ये वीडियो आपने वायरल पेपर समझ लिया उसको देख लो, उसमें मैंने आपको सारी कुछ समझा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आज का ये हिंदी का वायरल पेपर है, आई होप आपको पूरा पेपर समझ में आ गया होगा। पेपर समझ में आया हो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हर एक सब्जेक्ट इसके बाद मैथ की क्लास आने वाली है, जैसे पेपर देकर आओगे मैथ की क्लास आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। तो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।